देखिए दिग्विजय सिंह तो बहुत शिद्दत से व्यापम घोटाले का जिक्र बार बार करते रहे, उठाते रहे हैं। उन्होंने तो विसिल ब्लोअर और जो इसके एक्सपर्ट थे हार्ड डिस्क के, उन लोगों के को कांटेक्ट करके उनसे जो तथ्यात्मक जानकारी मिली उसे कोर्ट में भी शेयर किया, आम जनता में भी शेयर किया, जांच एजेंसी को भी शेयर किया। लेकिन दुर्भाग्य है कि जांच एजेंसियों ने ना विसिल ब्लोअर की बात सुनी, ना हार्ड डिस्क के मास्टर प्रशांत नाम है, क्या नाम है मैंने जानता, ना उसकी बात ढंग से सुनी। उनने जो तथ्य दिए कोर्ट ने उनकी भी सही रूप से जांच कोर्ट ने भी नहीं कराई और जो सीबीआई जांच कर रही उसने भी जांच नहीं कराई। तो जो पत्र हमारे दिग्विजय सिंह जी ने लिखा है, बड़ी गहरी जानकारी के बाद उन्होंने इस बात की ओर इंगित किया है कि फिर से इस केस का रिव्यू किया जाए ताकि इस कांग्रेस की सरकार में इतने बड़े महाघोटाले का, जिसमें 54 लोगों की जान गई है, जिसमें लाखों इस प्रदेश के नौजवानों के भविष्य को अंधकार में ढकेला है, वो लोग आगे आए हैं जो एलिजिबल नहीं हैं, जो बच्चे पढ़ने वाले थे उनका भविष्य अंधकार में हुआ। तो एक बड़ा व्यापम जैसी दुर्घटना भविष्य में कोई सरकार ना कर सके। तो उन्होंने जो जांच की मांग की, हम सारे लोग उससे सहमत हैं। क्या लगता है तत्कालीन सरकार में तो उसमें जिस तरह से बड़े नाम शामिल हैं? बिल्कुल ही। अब आप देखिए कि व्यापम घोटाले में एक मंत्री को हटाया गया, शिवराज चौहान ने हटाया ताकि मैटर सबसाइड हो जाए। शिवराज चौहान उनकी पत्नी पे आँच ना पहुँचे व्यापम घोटाले की, तो एक मंत्री को उन्होंने हटा दिया। हटाया इट मीन्स कि कहीं ना कहीं दाल में काला है, गड़बड़ झाला है, घोटाला है व्यापम का। तो बड़े इसमें कई बड़े चेहरे राजनीतिक और अधिकारी स्तर के आएंगे, जो निश्चित रूप से यदि सही जाँच होगी तो जेल की सलाखों के पीछे होंगे। आपकी सरकार अब इसको लेकर नहीं, हमारी सरकार गंभीर है, चिंतित है और हमारे गृह मंत्री बाला बच्चन ने कल जो बयान दिया है इससे साफ स्पष्ट झलक मिलती है कि हम व्यापम घोटाले के पीछे जो पर्दा पड़ा है उस पर्दे को उठाएंगे। कई जो बड़े नाम है वो बेनकाब हैं, मैंने कहा वो जेल के पीछे ही जाएंगे, क्योंकि बहुत जल्दी अब व्यापम घोटाले के तमाम बिंदुओं को रिव्यू किया जाएगा।